हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि गठिया होने पर जो जोड़ों में दर्द होने लगता है, यानी कि जॉइंट पेन अर्थराइटिस होने पर जो जोड़ों में दर्द होने लगता है, इसका अचूक इलाज क्या है। आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जोड़ों में दर्द है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है। जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, यूरिक एसिड के कण होते हैं वो घुटनों में या जोड़ों में जमा होने लगते हैं, तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। ये इतना बुरा हाल दर्द होता है कि रात के टाइम जोड़ों में बहुत दर्द होता है, सुबह उठते ही अकड़न होती है। जब भी इसकी पहचान हो जाए तो इसका इलाज तुरंत ज़रूर कराना चाहिए। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इसके लिए इलाज कौन सा है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि जिसको भी जोड़ों में दर्द है यानी कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उसको दिन में 4 से 6 लीटर तक पानी ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि यूरिन के थ्रू जो यूरिक एसिड बाहर निकलेगा वो बहुत ही बढ़िया तरीका है। आपने 4 से लेकर 6 लीटर पानी रोज़ाना ज़रूर पीना है। इसके अलावा आपने सूर्य नमस्कार सुबह करना है, प्राणायाम करना है, क्योंकि अपनी बॉडी को लचीला ज़रूर रखना है। जितना आप एक्टिविटी कम करेंगे उतना ही ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी में ज़्यादा घर करती जाएगी। अब बात करते हैं इलाज की। तो इलाज आपने 2 इलाज ऐसे करने हैं जो बहुत ही अचूक हैं। आपने 2 चम्मच शहद लेना है, 1 चम्मच दालचीनी पाउडर लेना है। इसको मिक्स कीजिए और गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट ले लीजिए। ऐसा ही मिक्सचर आपने शाम के टाइम खाली पेट ही लेना है। 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच दालचीनी पाउडर को गुनगुने पानी के साथ ही लेना है। ऐसा करने से गठिया रोग ठीक होता है। जो यूरिक एसिड आपकी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है वो बॉडी से बाहर हो जाता है। एक चीज़ और बता दूं, आपने क्या करना है, रात के टाइम 1 चम्मच मेथी दाना भिगो देना है। मेथी दाना जब आप रात को भिगोएंगे सुबह तक वो फूल जाएगा और उसे आप खा लीजिए। ऐसा करने से जो जोड़ों में एक्स्ट्रा वात इकट्ठी हो रही है, वाई इकट्ठी हो रही है, वो दूर हो जाती है। एक और चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप रात को सोते टाइम किसी भी खट्टी चीज़ को इनटेक खाकर नहीं सोएं, जैसे कि दही हो गया, नींबू हो गया, कोई भी खट्टी चीज़ रात को आपने खाकर नहीं सोना, जिनको भी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है या घुटनों में दर्द रहता है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन और उसके अपडेट्स आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।